हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ गीतांजलि शर्मा और हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं डॉक्टर विपिन अग्निहोत्री सर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर विपिन अग्निहोत्री, बेसिकली आई वाज अ जर्नलिस्ट एंड मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में 12 साल तक काम किया। देन अब मेरा मकसद है लोगों को, खासकर महिलाओं को, एक मंच मुहैया कराना थ्रू एंटरटेनमेंट और ग्लैमर इंडस्ट्री। Okay, सर, तो जैसा कि आप पहले एक जर्नलिस्ट थे, तो आपने मतलब कि क्यों हमने टीवी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में मूव ऑन किया? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना बेस्ट जब तक दे सकता था, मैंने दिया, और मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग देखता था, तो वो एक पिनेकल होता है जर्नलिज्म में। तो मुझे लगा कि मैं जब तक अपना बेस्ट दे सकता था, मैंने दिया। फिर मेरे अंदर एक क्रिएटिव स्किल्स थी कि मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में, कहा जाता है कि बहुत सारे गलत चीज़ें होती हैं, मुझे लगा कि मुझे उस धारणा को बदलना चाहिए, तो मैंने उसमें शिफ्ट किया और आई एम डूइंग अ वेरी गुड वर्क, आई एम कॉन्ट्रैक्टेड विद एमएक्स प्लेयर्स। सो ऐसे ही बस शुरू हो गया। ओके सर, तो आप जब जर्नलिज्म कर रहे थे, तो आपकी जर्नलिज्म स्टार्ट कैसे हुई और आपकी वो जर्नलिज्म लाइफ कैसे थी? देखिए, मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, एमसीए हूँ, तो मुझे लगा जयपुरिया में मास कम्युनिकेशन का कोर्स शुरू हुआ, मैंने वहाँ एडमिशन लिया और उसके बाद मेरी पहली जॉब लगी पाइनियर लखनऊ में। देन आई शिफ्टेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स। सो जैसे कि होता है मीडिया में एक दौर आता है, तो मुझे लगा वो दौर था जर्नलिज्म का। अब जर्नलिज्म के कई सारे पैमाने बदल चुके हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं, सो इसीलिए मैंने शिफ्ट किया। ओके सर, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप कई सारे लोगों की हेल्प करते हैं, स्पेशली बच्चों की। जी तो सर, आप मुझे हमारे लोगों को बताइए कि आप लोगों की कैसे हेल्प करते हैं। मैं ऑटिज्म किड्स की मदद करता हूं, क्योंकि ऑटिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंडियंस हम लोग बहुत अनभिज्ञ हैं, हम लोगों को नहीं मालूम है कि ऑटिज्म होता क्या है, हम उसे एक मानसिक बीमारी की तरह लेते हैं। तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो सोसाइटी के लिए बहुत फ्रूटफुल हो, और ऑटिज्म मुझे ऐसा लगा कि कई बच्चे हैं जो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स प्रकट नहीं कर पाते, और ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ फैमिली मेंबर्स भी सोचते हैं कि वो बताएं कि ना बताएं, मेडिसिन करें, कोर्स करें कि ना करें। तो मुझे लगा एक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। सो आई डिड द ऑटिस्टिक किड्स, आई वर्क फॉर ऑटिस्टिक किड्स। ओके सर, सो द आपके लगभग 40 से भी ज्यादा जो सॉन्ग्स है वो एमएस प्लेयर पे लॉन्च हुए हैं, कई सारे वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स एंड मूवीज भी जिंदगी अनलिमिटेड भी लॉन्च हुई है। सर, तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ जो सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके। तो जिंदगी अनलिमिटेड की आपने बात करी, तो मैंने उसमें टॉपिक उठाया टैलेंट ड्रेन। हम इंडिया में ही बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर ये धारणा है, खासकर यंगस्टर्स में, कि वो बाहर जाएंगे, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, पर ऐसा है नहीं। आप इंडिया में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं ऐसी फिल्में या ऐसे कॉन्सेप्ट उठाऊं जो सोसाइटी को लिए पॉजिटिव चेंज लाए। ओके सर, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज सर, आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ आप दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जब आप प्रोफेशनली किसी चीज में इन्वॉल्व हो, किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, तो कोशिश होनी चाहिए कि आप अपना 100% हो उस प्रोफेशनल में। और पर्सनल लाइफ की बात रही, जहां आप प्रोफेशनल लाइफ से हटते हो तो यू हैव टू स्विच ऑफ। तो गॉड का एक वो है कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करता हूँ। ओके सर, तो एक बहुत ही अनोखी चीज मुझे सर्च करते टाइम आपके बारे में पता चली कि आपका एक बार अकाउंट हैक हो गया था, और उस पे ऐसे लिख कर क्या था कि यू वाज नॉट अलाइव। तो आप इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, ये इतनी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, फिल्म और ग्लैमर इंडस्ट्री, कि आपके जो दुश्मन होते हैं सो कॉल्ड, उन्हें एक मौका चाहिए होता है कि वो कैसे आपको नीचा दिखाएं। तो किसी ने फेक मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना के फेसबुक में भेजा कि दिस पर्सन इज डेड। तो वो सारी चीज़ें आपको मेंटली बहुत हिला के रख देती हैं, लेकिन मैंने उसको भी पॉजिटिव तरीके से लिया। मुझे लगा कि चलो ठीक है। वहाँ भी मुझे एक चीज़ पता चली कि अपनी साइबर सेल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने तुरंत FIR करी, सारी चीज़ें करी, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाओगे तो आप अभी भी पाओगे कि आई एम डेड, बट मैं आपके सामने हूँ। सर, तो अगर जैसे हमारे जो यूथ हैं, जो नए नए लोग हैं, वो इस समय डायरेक्शन जो स्टार्ट कर रहे हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शुरुआत कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए बहुत ही कम्पेटिटिव इंडस्ट्री है जैसा कि मैंने आपको बताया, और बहुत हार्ड वर्क चाहिए और कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अपने आप को इम्प्रूव करो, ऐसे कॉन्सेप्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स उठाओ जो आउट ऑफ द बॉक्स हों, और कोशिश करिए कि सोसाइटी में आप एक चेंज लाओ। ऐसे टॉपिक्स, मसाला फिल्मों का दौर चला गया है, अब ऑडियंस वो चीज़ें देखना चाहती है जिसमें कुछ उनके लिए हो और वो रियल टाइम इन्वायरमेंट में हो, रियल लाइफ से प्रेरित फिल्में हो। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी फिल्में चल रही हैं जिनमें कोई स्टार्स नहीं होते, कोई सुपर स्टार्स नहीं होते, बस उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, उसका ट्रीटमेंट अच्छा होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट उठाओ, ऐसी चीज़ें उठाओ जो रियल लाइफ से ऑडियंस कनेक्ट कर सके। ओके सर, सो नाउ हियर इज एंड ऑल द क्वेश्चंस। या सो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप हम लोग मतलब हमारे जो जनता जी है आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, कुतुब जामा इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, और वेल विशेस टू यू। आप ऐसे ही समाज को बदलने की कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं से तो समाज को बदलना होगा, और आप यंगस्टर्स हो और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करा रहे हो लोगों को, तो ऐसे ही आप काम करते रहो और समाज में चेंज लाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।